देखिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग है स्टेट के लिए, स्टेट की प्लानिंग के लिए, प्लानिंग के लिए जो फंड चाहिए उनके लिए, वो नेशनल लेवल के ऊपर नीति आयोग की मीटिंग होती है और सारे चीफ मिनिस्टर अपनी टीम के साथ तैयार होके अपना केस पेश करते हैं, वहां उनको कन्विंस करते हैं, स्टेट के राइट्स की बात करते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी हुई है कि आज हमारे मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि मैं नीति आयोग की मीटिंग का बायकॉट करूं। तो ये अपने आप में सुसाइडल है। पहले ही जो भी बजट आया उसमें पंजाब को कुछ नहीं मिला, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि मैं नीति आयोग की मीटिंग में भी नहीं जाऊंगा, तो आपकी जगह कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी कौन करेगा? आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हो जिसका डेफिनेटली स्टेट को नुकसान होगा। ना आपने विधानसभा को भरोसे में लिया, ना पंजाब की पार्टियों को भरोसे में लिया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के साथ आपकी दोस्ती है, आप इकट्ठे इलेक्शन लड़े हो, तो उनके पीछे लगकर अगर काम करोगे तो ये स्टेट का जो नुकसान हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अभी भी आप कांग्रेस के पीछे लगे हुए, इतना बड़ा मंडेट पंजाब की जनता ने आप लोगों को दिया, तो फिर भी अगर आप अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते तो मैं कहता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। उनको तैयार होकर जाना चाहिए, वहां जाके फाइट करना चाहिए। अगर केजरीवाल को तो जेल में शीक भी आ जाए तो ये धरना देने चले जाते हैं, हेलीकॉप्टर लेके फटाफट के केजरीवाल साहब का हाल पूछने जा रहे हैं। तो अब स्टेट की बात है, स्टेट के इंटरेस्ट की बात है, तो वहां आप बायकॉट करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये डिसीजन उनको रिव्यू करना चाहिए, जाके मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। दूसरा, आज पार्लियामेंट में कि जो वो 20,000 लोगों से लेके आ रहे हैं, हमने उनको एनएसए के अंदर कर दिया गया, तो बड़े बड़े लोगों की क्या लगता है कि इसको करना क्या सही था? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि चाहे अमृतपाल सिंह हो, जब कोई भी और व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, श्रोमणी अकाली दल हमेशा इस चीज के खिलाफ है कि एनएसए जैसे कानून लगाकर किसी को ऐसे बंद करना ये गलत है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। अगर उसके अगेंस्ट कोई केस बनता है तो आप नॉर्मल जितने कानून हैं उनके अगेंस्ट केस उनको बुक करिए, कोर्ट में अपने आप को वो डिफेंड करेंगे। अगर कोर्ट मानेगी कि वो निर्दोष है, छोड़ देगी, अगर कोई कसूरवार होता है तो सजा मिल जाएगी। लेकिन ये राइट स्टेट को नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी व्यक्ति को जो है जितनी देर चाहो जेल में डाल दो, ये ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी वायलेशन। इसलिए हम चाहते हैं कि वो एमपी भी जीत गए, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर एमपी को जस्टिस नहीं देगी तो फिर किसको जस्टिस मिलेगा? किसी को भी नहीं मिल सकता। इसलिए ये काम गलत किया है, इसके हम खिलाफ, चाहे अमृतपाल सिंह है चाहे कोई भी और, ये काम ही गलत है, इसलिए हम गलत काम के खिलाफ। तो क्या एनएसए के अंदर ऐसे बंद नहीं करना चाहिए? जो हमारे बाकी कानून है किस काम के लिए? जितना किसी का कसूर है केस रजिस्टर करो, वो अपने आप को कोर्ट में डिफेंड करो। पंजाब सरकार भी ये 100% पंजाब सरकार भी है इसमें, कनाइवेंस दिल्ली की भी है, लेकिन ज्यादा कसूरवार इसमें स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि वो छोड़ना चाहे तो आज छोड़ सकती है। अरेस्ट तो स्टेट गवर्नमेंट ने किया, ऑर्डर तो स्टेट गवर्नमेंट ने किया। ये देखिए, ये दोनों ड्रामा कर रहे हैं। जब पार्लियामेंट की बात होती है तो चन्नी साहब जो है इनके वहां लोगों की इमोशंस के हिसाब से इनके खिलाफ बोल रहे हैं, या नीति आयोग की मीटिंग की बात हो रही है तो दोनों इकट्ठे होकर बायकॉट कर रहे हैं। तो जब नीति आयोग की मीटिंग के बायकॉट में दोनों इकट्ठे हो सकते हैं तो फिर अमृतपाल के केस में ये कांग्रेस वाले आके इनको बोलते क्यों नहीं कि आप एनएसए विड्रॉ करो? उसमें भी फिर इतना बड़ा समझौता आपका इकट्ठे अभी चल रहे हो कि आप नीति आयोग का दोनों पार्टियां बायकॉट कर रहे हो इकट्ठे होके, तो यहां आके फिर कांग्रेस वाले भगवंत मान को बोलते क्यों नहीं कि ये एनएसए विड्रॉ करो? देखिए, पार्लियामेंट में जाके सबको जितने भी एमपी साहबान बने हैं ये पंजाब के लिए कुछ करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक दूसरे की आलोचना करना, निचले स्तर की बातें करना, इससे पंजाब के लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये पहले सारे कांग्रेस में इकट्ठे थे, तब एक दूसरे की तारीफें करते थे, अब एक बीजेपी में चला गया, दूसरा कांग्रेस में रह गया, इसलिए
अब वो बातें करने के बजाय पंजाब के बड़े की कोई बात करें तो अच्छी बात। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।